अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे 4000 वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर अपने कंप्लीट कर सकते हैं यूट्यूब पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक गुड न्यूज़ सुनाना चाहूँगा, क्योंकि जो मेरा चैनल था फोकस स्टूडियो, वो मुझे कंप्लीट वापस मिल चुका है और मैं 2-3 दिन से उसे कंप्लीट एक्सेस कर पा रहा हूँ। और साथ ही जो मेरी वीडियो थी वो भी वापस आ गई है, क्योंकि पहले जब मेरा चैनल हैक हुआ था तो हैक होने के बाद यूट्यूब टीम ने मेरा चैनल टर्मिनेट कर दिया, और टर्मिनेट होने की वजह से मेरी जितनी भी वीडियोज़ थी वो तमाम यूट्यूब ने डिलीट कर दी। तो डिलीट करने के बाद जब मेरा चैनल मुझे वापस मिला तो उस पर कोई भी वीडियो नहीं थी। लेकिन मैंने यूट्यूब से रिक्वेस्ट की कि मेरी इस पर वीडियो थी बहुत ज़्यादा डाटा, जो कि मैं वापस दोबारा से अपलोड नहीं कर पा सकता क्योंकि मेरे पास वो डाटा मौजूद नहीं। तो थैंक यू कहना चाहूँगा यूट्यूब एंड यूट्यूब इंटरनल टीम का, जिन्होंने मेरी बात सुनी और जिन्होंने मेरा डाटा मुझे कम्प्लीट वापस कर दिया। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। बहुत सारे दोस्तों ने पूछा था कि सर आप अपने यूट्यूब चैनल का लिंक दें, हम उसे देखना चाहते हैं। तो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में फोकस स्टूडियो चैनल का, उसको आप जाकर अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। तो चलिए हम आगाज़ करते हैं अपनी गुफ्तगू का कि हम 4000 वॉच टाइम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि 4000 वॉच टाइम है जो वो कैसे कंप्लीट होगा। तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो कहते हैं कि 4000 वॉच टाइम है जो वो कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा टफ है। तो इतना टफ नहीं है जितना कि शायद लोग आपको बताते हैं। ठीक, यूट्यूब पे एक बात मैं और आपको बता दूं कि यूट्यूब पे ट्रिक नहीं चलती, यूट्यूब पे जेन्युइन कंटेंट ही चलता है। और अगर आपका जेन्युइन कंटेंट होगा तो आपको 4000 वॉच टाइम भी कम्प्लीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरा जो अपना फिल्म एडिटिंग स्कूल चैनल है उस पर मैंने तकरीबन 3 मंथ में जो टारगेट था यूट्यूब का वो मैंने फिल कर दिया था। असल में ये वॉच टाइम होता कैसे है ये बस आपको समझना है। जब इस लॉजिक को आप समझ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वॉच टाइम भी कोई मायने नहीं रखता। सबसे पहले तो हम वॉच टाइम कंप्लीट कितना है, 4000 घंटा। ठीक है, अगर उसको हम अकाउंट करें व्यूज़ में तो उसके बनते हैं 2,40,000। अगर आपकी वीडियो, मिसाल के तौर पे ये वीडियो है जो इसको मैं अपलोड कर रहा हूँ, कोई बंदा इस वीडियो को 1 मिनट देखता है तो उसे हम कहते हैं एवरेज व्यू ड्यूरेशन। ठीक है, तो यूट्यूब क्या काउंट करती है, एवरेज व्यू ड्यूरेशन। यूट्यूब ये चीज़ काउंट नहीं करती कि आपकी वीडियो 10 मिनट की है, आपकी वीडियो 15 मिनट की है, आपकी वीडियो 20 मिनट की है। यूट्यूब के लिए कोई मायने नहीं रखती। लेकिन यूट्यूब के लिए क्या चीज़ मायने रखती है, एवरेज व्यू ड्यूरेशन। अब एवरेज व्यू ड्यूरेशन क्या होता है, एवरेज व्यू ड्यूरेशन होता है मिसाल के तौर पे ये वाली जो वीडियो है अगर आप देखते हैं 1 मिनट, तो इसका 1 मिनट जो टाइम एवरेज व्यू ड्यूरेशन है वो यूट्यूब काउंट कर लेगी कि 1 व्यूज़ पर ये 1 मिनट वीडियो देखी गई। अगर कोई दूसरा बंदा देखता है तो वो इस वीडियो को देखेगा 5 मिनट। ठीक है, तो उस पर फिर 5 मिनट काउंट किए जाएंगे कि इस वाली वीडियोस को 5 मिनट देखा गया है, तो वो होता है एवरेज व्यू ड्यूरेशन। ठीक है, तो ऐसे आपकी एवरेज व्यू ड्यूरेशन है जो वो यूट्यूब अकाउंट करती है। अब अगर एवरेज व्यू ड्यूरेशन है जो हमारी 1 मिनट हो तो हमें चाहिए 2,40,000 व्यूज़। अगर हमारी एवरेज व्यू ड्यूरेशन होगी 2 मिनट तो उस 2 मिनट के बजाय हमें कितने व्यूज़ चाहिए होंगे, 1,20,000। ठीक है, अगर 1,20,000 अगर हमारी एवरेज व्यू ड्यूरेशन कह लें कि 4 मिनट हो जाती है तो हमें सिर्फ और सिर्फ 60,000 व्यूज़ चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर आपसे बात करूँ, अगर आप एक 10 मिनट की वीडियो बनाते हैं और 10 मिनट की वीडियो की एवरेज व्यू ड्यूरेशन बहुत अच्छी होती है और वो एवरेज व्यू ड्यूरेशन 4 मिनट की है, अगर आपकी एवरेज व्यू ड्यूरेशन 4 मिनट की है तो वहाँ पे आपको 60,000 व्यूज़ चाहिए। ठीक है, एवरेज व्यू ड्यूरेशन के हिसाब से तो आपकी जो वीडियो है वो कम्प्लीट हो जाएगी और आपका जो यूट्यूब का टारगेट है वो भी कम्प्लीट हो जाएगा और आपका चैनल इंशाल्लाह मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन आपका कंटेंट अच्छा होगा तो आपकी एवरेज व्यू ड्यूरेशन अच्छी होगी। अगर आप कोई कॉपी पेस्ट मटेरियल इस्तेमाल करते हैं तो आपकी एवरेज व्यू ड्यूरेशन बिल्कुल अच्छी नहीं होगी। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि क्योंकि जब आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं तो वो आपको लीगल और जेन्युइन करना चाहिए स्टार्ट से ही, ताकि आपको कल को कोई प्रॉब्लम ना आए। और यूट्यूब पर तो फिर आए दिन कोई ना कोई नई पॉलिसीज आती रहती हैं, तो इसलिए आपको एहतियात करनी चाहिए और अच्छे से स्टार्ट लेना चाहिए यूट्यूब पे। तो फर्स्ट इंप्रेशन एंड लास्ट इंप्रेशन, तो
आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि हम वॉच टाइम को कैसे पूरा करते हैं और असल में क्या फार्मूला है यूट्यूब के वॉच टाइम का। तो सिर्फ और सिर्फ एवरेज व्यू ड्यूरेशन आपको जहन में रखनी होगी, जब आप वीडियो को अपलोड करते हैं तो उसके बाद आपको देखना होगा कि हमारी एवरेज व्यू ड्यूरेशन कितनी है, तो उस हिसाब से आप अपने व्यूज़ काउंट कर ले तो आपको वॉच टाइम का पता चल जाएगा। और वैसे अभी जो बीटा स्टूडियो नया आया है उसमें तो आपको अगर मोनेटाइजेशन के ऑप्शन पर जाएँ तो आपको वहाँ पर दो बीटर नज़र आते हैं, तो वहाँ पर आपको पता चल जाता है कि आपका वॉच टाइम कितना हो चुका है। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि एवरेज व्यू ड्यूरेशन के बारे में। अगर आपको पता चल गया है तो प्लीज़ वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और अगर आप मेरे इस वाले चैनल पर नए हैं सैयद अकील अब्बास पर, तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस पर भी मैं बहुत ज़्यादा आपको नॉलेजेबल वीडियो देने वाला हूँ। थैंक यू।